मुझे कैप्टन बनाओ, मुझे कैप्टन बनाओ, मुझे कैप्टन बनाओ। अरे भैया, क्या कैप्टेंसी क्या ऐसे ही मिल रही है क्या? मुझे भी बना दो फिर कैप्टन। जी हाँ, कल आपको देखने को मिलेगा बिग बॉस के घर में कि मुझे कैप्टन बनाओ, मुझे कैप्टन बनाओ, मुझे कैप्टन बनाओ। अब भैया, दो लोग भिड़ने वाले हैं कैप्टेंसी के लिए। अब वो कौन होंगे? एक तरफ होने वाली हैं शहनाज और दूसरी तरफ होंगी माहिरा। जहाँ पे माहिरा को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे भैया जो अपने पारस छाबड़ा हैं, आबड़ा का डाबड़ा मैं हूँ पारस छाबड़ा, तो वही सपोर्ट करेंगे माहिरा को और वो माहिरा को कैप्टन बनाएंगे। और इसी बात से गुस्सा हो जाने वाली है शहनाज। अब शहनाज किसके पास जाएंगी? शहनाज जाएंगे भैया अपने प्यारे सिद्धार्थ शुक्ला के पास, और सिद्धार्थ शुक्ला से जाके कंप्लेन करने वाली है वो कि भैया मुझे क्यों नहीं कैप्टन बनाओगे, मैं क्या बिग बॉस में मुंह दिखाने आई हूँ? हर बार जब भी होता है माहिरा ये माहिरा वो, भैया मैं कौन हूँ यहाँ पे? मैं भी तो कुछ हूँ, तुम्हारे टीम की मेंबर हूँ या नहीं? और इसी बात पे गुस्सा और रोएंगी धोएंगी तहलका मचाएंगी कल घर में। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो शहनाज का रोना है भैया, वो सिद्धार्थ शुक्ला देख नहीं पाएंगे और सिद्धार्थ शुक्ला बोलेंगे कि चल शहनाज, अब तो तू ही कैप्टन बनेगी, तुझे मैं कैप्टन बनाऊंगा। ऐसे कहते हुए नज़र आने वाले हैं सिद्धार्थ शुक्ला, और जो शहनाज का नाटक है वो तो पारे पर चढ़े आएगा और शहनाज बोलेंगी जब तक मैं कैप्टन नहीं बनूंगी तब तक मैं बिल्ली बनी रहूंगी। जी हाँ, कैप्टेंसी टास्क के लिए जो लड़कियां हैं वो बिल्ली बनाई जाएंगी, मतलब कि उनको बिल्ली बनाया जाएगा, और जब बिल्ली बनाया जाएगा तो भैया मज़ा तो आएगा। अब जब कैप्टेंसी टास्क होगी तो आरती तो दमदार परफॉर्मेंस देने वाली हैं इसमें, जो कि कभी नहीं देती हैं। इस बार जब आरती दमदार परफॉर्मेंस देंगी तो सिद्धार्थ शुक्ला मज़े लेते हुए नज़र आने वाले हैं। वहीं माहिरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो व्यू है, क्या बोलते हैं उसको, व्यू है वो रखेंगी और बोलेंगे भैया मैं भी कैप्टन बनना चाहती हूँ। अब इन दोनों के चक्कर में फंस जाएंगे आबड़ा का डाबड़ा पारस छाबड़ा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों कि कल कौन कौन दावेदार बनता है कैप्टेंसी का। क्या माहिरा बनती हैं या शहनाज बनती हैं या फिर बनती हैं आरती? आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।